में राष्ट्रीय पुलिस मेडल से सम्मानित हो चुके हैं। कॉलेज में आयोजित इस दो दिवसीय खेल समागम के दूसरे दिन के कार्यक्रम में आलोक मित्तल जी का मुख्य अतिथि के रूप में हम सब कॉलेज परिवार की ओर से अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कॉलेज परिवार आज कृतार्थ अनुभव कर रहा है। मैं कॉलेज परिवार की ओर से सब लोगों की ओर से आपका भूरी भूरी स्वागत करती हूँ और हम लोग जानते हैं कि आपकी आपका कार्य बहुत बहुत बिजी रहते हैं, आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, उसमें से आपने इतना समय निकाला कॉलेज परिवार के लिए, इस सब के लिए हम लोग बहुत बहुत आपके धन्यवादी हैं। सेक्टर एक कॉलेज न केवल शैक्षणिक गतिविधियों में बल्कि खेलकूद गतिविधियों में भी राज्य का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है। एक और कॉलेज हरियाणा सरकार के प्रयास रैंकिंग फ्रेमवर्क में राज्य में पहले पायदान पर है। अगर हम पोर्टल उठा के देखेंगे तो सारे कॉलेजेस का तो पहले नंबर पे एडमिशन जो है, फर्स्ट प्रेफरेंस जिन बच्चों के सबसे ज्यादा नंबर होते हैं उनको ये कॉलेज मिलता है। वहीं विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी कॉलेज के स्टूडेंट्स न केवल कॉलेज बल्कि हरियाणा सहित देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय फलक पर स्वर्णाक्षरों में लिख रहे हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स नेशनल गेम्स से लेकर ओलंपिक्स तक राज्य और देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। खेलकूद में स्थापित इस विरासत को कॉलेज के नए स्टूडेंट्स अपने मजबूत कंधों पर आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते रहेंगे। अपने काफी अनुभवशील जो टीचर्स हैं उनके साथ हाल ही में हमारे देश दिवेश ने जूडो कॉमनवेल्थ साउथ एशियन और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। वहीं छात्र नील कमल ने नेशनल गेम्स में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। छात्रा मीनाक्षी जिम्नास्टिक्स में एशियाई पदक विजेता है। वहीं बलप्रीत सिंह भी नेशनल गेम्स में रग्बी और स्नो आइस स्टॉक में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता है। हमारे छात्र दिवेश, नील कमल, अमित और मोनिका ने नेशनल कैंप्स में भाग भी लिया है। कॉलेज में आयोजित एनुअल स्पोर्ट्स मीट का उद्देश्य है कि खेलकूद में रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स को मंच देकर उनकी प्रतिभाओं को तराशा जाए, निखारा जाए। मेरा मानना है कि कॉलेज परिवार में आयोजित 35वीं एनुअल स्पोर्ट्स मीट इस उद्देश्य को पूरा करने में सफल हुई है। मेरी ओर से स्पोर्ट्स मीट की विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं और सभी खिलाड़ियों को खूब ढेर सारी बधाइयां। जिन्हें पदक हासिल नहीं हुए उनको मेरी अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगले स्पोर्ट्स मीट में वो जरूर पदक हासिल कर पाएंगे। इस बार पुनः मैं आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करती हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। और मैं हमारे मुख्य अतिथि को बताना चाहूंगी कि हमारा महाविद्यालय स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इतनी उपलब्धियां हासिल कर चुका है कि हमारा एक स्टूडेंट प्रदीप मोर 2015-16 में ओलंपिक्स तक में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का गौरव हासिल कर चुका है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इंटरनेशनल इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स से नीचे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लक्ष्य नहीं अपना निर्धारित करते और इसीलिए हम उनको हर आने वाले नए अकादमिक सत्र में नई उपलब्धियों को, नए सितारों को छूते देखते हैं। ऑर्गेनाइज होने वाला है हमारे चीफ गेस्ट श्री आलोक मित्तल जी की उपस्थिति में और सर इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। द फैकल्टी वेरी हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, कमिटेड फैकल्टी। वी हैव सीन दिस कॉलेज ग्रो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। रानी ने 2019-20 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल में और गोल्ड मेडल हासिल किया साउथ एशियन गेम्स में। Sir is right now interacting with our students, our sportspersons. Students are very fortunate to receive his blessings. बिल्कुल अपने करियर की बिगनिंग में और उस समय भी मैं इस कॉलेज में आया था फंक्शंस में। आज दोबारा इतने सालों के बाद आने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लगा। और जैसा हम सब लोगों ने देखा ही है कि लगभग पिछले दो सालों से कोरोना की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें सबने फेस की हैं, तो आज ये कि इतने अच्छे
धूप के मौसम में सब बच्चे बाहर आए हुए हैं और खेल कूद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। मुझे हमेशा ये लगता रहा है कि जो कोरोना से प्रभावित दो साल रहे हैं उसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो वो स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को हुआ है। जो कॉलेज लाइफ है, स्कूल लाइफ है, उसमें बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना, घूमना फिरना, कॉलेज में अपनी क्लास में बैठना, स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, इससे बेहतर और क्या चीज़ है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप लोगों ने किसी न किसी तरीके से किया, लेकिन ये खेल कूद का काम सबसे ज़्यादा होना चाहिए जो सबसे कम हुआ। जिम में जाने की पाबंदी, स्विमिंग पूल में जाने की पाबंदी, ओपन स्पेस में इकट्ठा होने की पाबंदी, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप सब लोग खूब खेलिए। जो बीटेक बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड जिसको बोलते हैं, ये आपका कोर्स बड़ा प्रेस्टिजियस कोर्स है, सीट्स कम हैं, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, एडमिशन मिलता है, होस्टल फैसिलिटी शायद ना होने से आप लोगों ने अपना भी अरेंजमेंट कुछ किया हुआ है, लेकिन ये मुझे बताया गया कि आप सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस कॉलेज के स्टूडेंट्स ने नेशनल, इंटरनेशनल और उससे भी ऊपर जो जिनको हम लोग ओलंपिक इवेंट्स बोलते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट किया हुआ है और आप लोगों ने मेडल्स जीते हैं। अभी मैंने 100 मीटर्स रेस को विटनेस किया, जो 5 पार्टिसिपेंट्स थे उनसे मिला, तो अभी देख के ही लग रहा था कि वह बहुत ही बढ़िया तरीके से दौड़ रहे थे, जोश आ जाए ऐसी रेस देखी। और उससे भी बढ़िया आपका टग ऑफ वॉर देखा, टग ऑफ वॉर में सब लोगों ने जोर लगाया लेकिन जो सीनियर्स थे वो बाजी मार गए, उन्होंने कहा टेक्निकल फॉल्ट है, वो अगले साल देखेंगे। आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, आप लोग ऐसे ही खेलते रहिए और प्रदेश के लिए, देश के लिए और सम्मान अर्जित करिए। आपने देखा कि हमारा देश काफ़ी बड़ा देश है, काफ़ी डिफिकल्ट देश है, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जातियां, लेकिन जब स्पोर्ट्स पर्सन की बात होती है तो सब लोग एकजुट हो जाते हैं। भारत देश के लिए सम्मान इतना अर्जित किया तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये जानने की कोशिश किया, बाकी सबको उतनी खुशी हुई। जो नीरज चोपड़ा को पर्सनली जानता है वो भी, जो हरियाणा का है वो भी, जो तमिलनाडु का है, सबको बहुत खुशी हुई कि भाई देश के लिए इतना बड़ा सम्मान लाया। तो स्पोर्ट्स पर्सन में वो ताकत है जो सारे देश को जोड़ देता है, सारे देश को एक साथ कर देता है। स्पोर्ट्स में नेचुरल है कि जब आप भागते दौड़ते हैं, कोई कुछ भी खेलते हैं तो आपको अच्छा लगता है। कभी खेलने से किसी को डिप्रेशन हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ। पढ़ने से तो डिप्रेशन हो सकता है लेकिन खेलने से कभी कोई डिप्रेशन नहीं हुआ। तो मेरा तो ये मानना है कि जब भी समय मिले, जितना आपको समय मिले, आप लोग खूब खेलिए। और कॉलेज से भी यही रिक्वेस्ट है कि आपको आपके जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कॉलेज जितनी भी मदद कर सकता है वो मदद करे, क्योंकि मुझे लगा यहाँ पे अभी भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एक लिमिटेड उसमें है। हरियाणा बहुत अच्छा हब बन के निकला है स्पोर्ट्स का, सारे देश में हरियाणा की पहचान बनी है। यहाँ पे मैंने देखा है नेचुरली बहुत अच्छा, चाहे मतलब बहुत सारे गेम्स में, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हम लोग रेसलिंग में, कबड्डी में, हॉकी में ही, क्रिकेट है या बैडमिंटन है। अभी मैंने देखा उड़ीसा में जो सीनियर चैंपियनशिप हुई उसमें यहीं की, मैंने पीछे एक बैडमिंटन के टूर्नामेंट में मैं पंचकुला में आया था, वहाँ पे उन्नति हुडा करके एक लड़की, उस दिन भी उन्होंने डबल्स और सिंगल्स जीता था और उन्होंने नेशनल लेवल की चैंपियनशिप जीती इतनी कम एज में। तो हरियाणा में मुझे लगता है कि हर तरह के खेल में हमारे यहाँ के लोग बहुत अच्छा करते हैं और बहुत जोश के साथ करते हैं और माँ बाप भी साथ देते हैं, गांव भी साथ देता है और खूब सम्मान देते हैं प्लेयर को जीतने पे। और एक हम लोगों के यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन को ये लगता है कि अगर वो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनको सरकारी नौकरी मिलने में आसानी होगी। मुझे लगता है कि आप लोगों को तो और बहुत बड़ा अचीवमेंट टारगेट करना चाहिए। सरकारी नौकरी कोई खास बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आपको मिल ही जाएगी अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जीतेंगे। लेकिन आपको तो जो अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स हैं, क्योंकि अब हम लोग स्पोर्ट्स में उतने कमज़ोर नहीं रहे, तो जो एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ओलंपिक गेम्स हैं, इसमें परफॉर्म करने का टारगेट होना चाहिए। ऑफकोर्स ऐसी चीज़ें ओवरनाइट नहीं अचीव होती हैं, इसके लिए बहुत बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन हमारे हरियाणा के प्लेयर्स में वो क्षमता है। और आप लोगों के बारे में आपके जो प्रिंसिपल हैं या बाकी लोग हैं, सब लोग मुझे लगातार बता रहे हैं कि आप लोगों ने, आप मीन्स आपके सीनियर्स ने बहुत सारे
बहुत सारे मेडल्स जीते हैं और आपके कॉलेज का गौरव बढ़ाया है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग और उसी लाइन में चल के और तेज़ी से और ऊँचे स्तर तक पहुँचें, और हम सब लोगों को जब आप नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल्स जीतेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गली गली तेरी लाज जली जियो रे बाहुबली।